बात कर लेते हैं पहलवानों के धरने की, क्योंकि पहलवानों पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह वही बीजेपी के सांसद हैं जिन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने 7 महिला पहलवानों का यौन शोषण किया है, जिनमें से एक नाबालिग बच्ची भी थी। ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि मैं गलत हूं तो सजा मुझे मिलेगी, और ब्रजभूषण ने यह भी कहा कि मेडल बहाने गए थे तो फिर नरेश टिकैत को क्यों दे दिए मेडल। मामले की जांच हो रही है, मामले में जो भी गलत होगा, जो भी आरोपी होगा, जिसने भी दोष किया होगा, उसे तो सजा मिलनी ही है। सुनिए आप ब्रजभूषण को। नहीं, चुनाव तो होना ही है, चुनाव का ड्यू है। हाँ। चुनाव का ड्यू है, चुनाव तो होना ही है। लेकिन जो आरोप लगा रहे, लगातार डिससैटिस्फैक्शन दिखा रहे, जांच जो है वो सही दिशा में आगे 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 देखिए होता है क्या। जांच तो करने दीजिए, जांच तो होने दीजिए ना। अब तो हमारे हाथ में खेल है नहीं, अब तो दिल्ली पुलिस के हाथ में है, जांच होने दीजिए। तो ये क्यों कर रहे हैं खिलाड़ी, आपको लगता है क्यों? इसका उत्तर वही बता सकते हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें भरोसा नहीं और आज बैठ के रोई है रिनेश फोगट और साक्षी मलिक। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए उन्हीं के निवेदन पर FIR हुआ है, जांच चल रही है। अब उसमें हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं। अब आज मेडल फेंकने गई थी, मेडल मतलब डालने के लिए गई थी, फिर गंगा जी में, अब गंगा जी के बजाय टिकैत को दे दी, तो ये उनका स्टैंड, हम क्या कर सकते हैं। नरेश टिकैत सीधे तौर पे कह रहे हैं वो हमारा नहीं, बस हमारा एक जो कह दिया कह दिया। आप पढ़िए कि अपने स्टैंड, अरे किस चीज पर स्टैंड, मेरा इस्तीफा ऐसे नहीं देंगे आप क्या जब तक पूरी, अरे हमारा तो कार्यकाल पूरा हो गया ना, हमारा तो कार्यकाल पूरा हो गया। तो गिरफ्तारी पर बात आ गई ना कि आपकी गिरफ्तारी, तो गिरफ्तारी अगर गलत पाया जाऊंगा गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या दिक्कत है।